नमस्ते, मैं डॉक्टर संपत राम रैगर से आचार्य राजनीति विज्ञान SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम BA पार्ट थर्ड का प्रश्न पत्र प्रथम में प्लेटो के साम्यवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने दो बातें बताई हैं, जिसमें पहली बात है राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली, दूसरी बात बताई साम्यवाद सामाजिक व्यवस्था। प्लेटो का मानना था कि एक समुचित तथा स्वस्थ शिक्षा प्रणाली अभिभावक वर्ग यानी सैनिक और शासक वर्ग को अपने कार्य करने तथा समाज के प्रति कर्तव्यों के पालन के लिए तैयार कर सकेगी। साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है, क्षुधा रक्षक को भेड़िया बना सकती है, इसलिए प्लेटो अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को पहले से ही दूर करना चाहता है और इसलिए उसने अभिभावक वर्ग के लिए एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसके दो प्रमुख तत्व हैं। पहला तत्व संपत्ति विषयक साम्यवाद, दूसरा तत्व परिवार विषयक साम्यवाद। तो हम सबसे पहले संपत्ति विषयक साम्यवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्लेटो के जो साम्यवाद है उसमें अभिभावक वर्ग के लिए उन्होंने ये बताया कि साम्यवाद की एक ये विशेषता है कि उसके द्वारा साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने का सुझाव राज्य की समस्त जनता के लिए नहीं वर्ण केवल अभिभावक वर्ग, अभिभावक वर्ग का मतलब होता है शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए ही दिया गया है, जिसका उद्देश्य शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का सार्वधिक श्रेष्ठता पूर्वक संपादन कर सके। प्लेटो की जो सामाजिक व्यवस्था का तीसरा वर्ग उत्पादक या सेवक वर्ग शासन व्यवस्था के संचालन से संबंध नहीं है, उसका शासन के संचालन में उत्पादक यानी जो तीसरा वर्ग है उसका कोई संबंध नहीं है। अब आता संपत्ति विषयक साम्यवाद। प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि पहली बात तो यह है कि उसके पास तो केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य है, यानी जीवन जीने के अलावा उसके पास और ज़्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्लेटो मानता है। न तो उसके पास अपना कोई घर होगा और न ही कोई ऐसा गोदाम जो सबके लिए खुला हो सकता हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए, सिपाहियों की तरह डेरे में रहना चाहिए। केवल यही है, ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूने तक का भी अधिकार नहीं है, यानी छूना भी नहीं चाहिए। ऐसे में उसकी मुक्ति है, उसका कल्याण है और ऐसे करने से ही वे राज्य का रक्षक बन सकता है, यानी राज्य की सेवा वो कर सकता है। संपत्ति विषयक साम्यवाद की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो उसकी विशेषताएं निम्न प्रकार हो सकती हैं। वह शासक और सैनिक वर्ग के लिए है, यानी उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। अगला जो विशेषता है वो यह है कि यह भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। इसी के संबंध में फोस्टर ये कहता है कि प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं वरना इसका त्याग करना है। समर्थन के आधार पर
कि किस किस प्रकार से इसको समर्थन मिला, उसमें पहला समर्थन मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक आधार के आधार पे प्लेटो आत्मा के तीन तत्व या विशेष गुण मानता है। आत्मा में तीन विशेष गुण पाए जाते हैं, इसमें पहला विवेक, दूसरा शौर्य और तीसरा इंद्रिय तृष्णा। इन तीनों गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज को तीन वर्गों में बांटा, पहला शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा उत्पादक वर्ग। उनके न्याय के विचार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरा जो आधार है वो दार्शनिक आधार है। दार्शनिक आधार पर प्लेटो अपने संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन करते हुए विशेष कार्य के सिद्धांत के आधार पर करता है। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि जिन्हें शासन का कार्य, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, उसे सभी सांसारिक तत्वों से बच करके रहना चाहिए, जो शासन करने के कार्य में बाधा डालते हैं। तीसरा आधार है राजनीतिक और व्यवहारिक आधार। इसमें प्लेटो का मानना था कि शासन की शक्ति उन्हीं व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए जो सर्वाधिक गुण यानी वर्चु रखते हों, संपन्न हों। और इसके संबंध में सेबाइन प्लेटो के इस तर्क संबंध के बारे में कहा है कि सरकार के ऊपर धन के दूषित प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसे स्वयं संपत्ति का ही विनाश करना पड़ा। जहाँ तक कि सैनिक और शासक का संबंध है, अब इसके संबंध में जो संपत्ति विषय साम्यवाद है, उसके संबंध में अरस्तु उसकी आलोचना करता है। वो किस प्रकार से करता है? अरस्तु द्वारा प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना। पहली आलोचना यह है कि प्रत्येक मानव में निजी संपत्ति रखने का अधिकार है, रखने की प्रवृत्ति होती है तथा उसमें वृद्धि करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। इससे समाज की प्रगति होती है। किंतु साम्यवादी निजी संपत्ति की व्यवस्था को प्लूटो के अभिभाग वर्ग का व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना नहीं होती है और समाज का विकास रुक जाता है, ऐसा प्लेटो मानता है। प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया जाता है, जिससे देश की एकता बनाए रखने में कठिनाई आती है या असंभव होता है। तीसरी आलोचना, इससे परस्पर परोपकार और उदारता की श्रेष्ठ मानवीय संभावनाएं नष्ट हो जाएंगी, ऐसा अरस्तु मानता है। प्लेटो कहता है कि राज्य की एकता बनाए रखने तथा उसे प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए व्यक्तिक संपत्ति का अंत करना चाहता है। अरस्तु इसके संबंध में कहता है कि एकता उपयुक्त शिक्षा द्वारा स्थापित करना चाहता है। शिक्षा अगर है तो एकता स्वतः ही स्थापित होगी, ऐसा उनका अरस्तु का मानना है। तीसरी जो आलोचना है वो ये है कि इससे राज्य की एकता पर आवश्यकता और औचित्य से आर्थिक बल दिया गया है, अधिक बल दिया गया है। अरस्तु प्लेटो के साम्यवाद को अति दिखाई पड़ती है। अगली आलोचना है कि साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभवों के विरुद्ध है। प्लेटो के साम्यवाद में सामान्य जन की अवहेलना के परिणाम स्वरूप उदासीनता, अकुशलता और कम उत्पादन के परिणाम प्रकट होंगे। अरस्तु के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है। अगली आलोचना है, प्लेटो का साम्यवाद समाज की वेदियों पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है। तो ये अरस्तु के द्वारा प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना की गई है। अब आता है परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। इसमें यह अभिभावक वर्ग के लिए निजी संपत्ति के साथ साथ निजी परिवार को भी वंचित करता है। केवल अभिभावक का अर्थ है सैनिक और शासक वर्ग के लिए भी ये परिवार विषयक साम्यवाद लागू होता है, जैसे संपत्ति का साम्यवाद लागू होता है। उसी प्रकार से
परिवार विषयक साम्यवाद भी अभिभाग वर्ग पर लागू किया गया है। अरस्तु प्लेटो का मानना है कि परिवार का विस्तार संपत्ति की धारणा पर ही आश्रित होने के कारण परिवार विषयक साम्यवाद संपत्ति साम्यवाद का ही तार्किक परिणाम है। प्लेटो के अनुसार अभिभाव वर्ग के स्त्री या पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी किसी के साथ स्थायी रूप से व्यक्तिगत रूप से सहवास नहीं कर सकेगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी, इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेगा और न ही संतान अपनी माता पिता को जान सकेगा कि मेरे माता पिता कौन हैं, और माता पिता संतान को नहीं जान सकेगी कि मेरी संतान कौन है। अब इसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है? पहली विशेषता है कि अभिभावक वर्ग में पारिवारिक मोह से मुक्त करना चाहता है। प्लेटो का ये मानना है कि परिवार से मुक्त हो अभिभावक वर्ग परिवार से मुक्त होगा तभी वो अपने कर्तव्यों का सही पालन कर सकेगा। प्लेटो परिवार को एक ऐसी घातक संस्था मानता है जो व्यक्तियों में संकीर्ण मनोवृत्ति तथा प्रबल स्वार्थपूर्ण भावनाएं उत्पन्न करती है। दूसरी जो विशेषता वो ये है कि राज्य में एकता स्थापित करने हेतु ये आवश्यक है कि परिवार में तेरे मेरे की भावना उत्पन्न करता है, अतः उसे प्लेटो अभिभावक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुष को एक ही परिवार के रूप में परिणत करके राजनीतिक एकता की प्राप्ति करना चाहता है। अगली विशेषता है नारियों की मुक्ति तथा समान अधिकार। प्लेटो कहता है कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है, यानी वो परिवार को एक ऐसी संस्था मानता है, घातक संस्था मानता है, जहां पे व्यक्तियों की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिकता की जो शक्ति है चौके चूल्हे तक में बर्बाद हो जाती है, ऐसा उनका मानना है। तीसरी विशेषता श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति। प्लेटो का विचार है कि स्त्री पुरुष का सर्ग भी व्यक्तिगत इच्छाओं की तुष्टि के लिए नहीं वरन राज्य के व्यापक हितों की दृष्टि को रख करके होना चाहिए। राज्य के हित में ये जरूरी है कि वो अपने आने वाली संतान श्रेष्ठ नस्ल की हो। प्लेटो ये मानता है कि अपनी मर्जी से वो सहवास नहीं कर सकते हैं, राज्य के लिए सहवास करेंगे और जो आने वाली नस्ल है वो भी एक श्रेष्ठता के रूप में साबित होगी, यानी अच्छी नस्ल की होनी चाहिए। प्लेटो इसके संबंध में शिक्षा दीक्षा का कार्य जन्म से पूर्व ही प्रारंभ होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। इसके संबंध में अरस्तु द्वारा परिवार विषयक साम्यवाद की आलोचना की गई है। अरस्तु का मानना है कि प्लेटो अपने परिवार विषयक साम्यवाद की योजना के अंतर्गत स्त्री और पुरुष के आधार पर भूतंत्र को दृष्टि में नहीं रखता। प्लेटो स्त्री और पुरुष में लिंग भेद के आंतरिक और कोई अंतर नहीं कर पाता, परंतु उसका ये दृष्टांत दुर्बल प्रतीत होता है। जैसा कि बारकर ने लिखा है कि स्त्री की प्रकृति में लिंग एकमात्र तथ्य नहीं है, जिसमें और केवल जिसमें यही है कि वह पुरुष से भिन्न है, अपितु वह तो उसके समस्त जीवन को प्रभावित करता है। दूसरा जो आलोचना की वो ये की है कि स्त्री और पुरुष के स्थायी संबंधों की योजना प्रभावित करते हुए प्लेटो पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता को भुला देता है कि पति पत्नी रहते हैं और अपने किस प्रकार से भावनात्मक पवित्र संबंधों को निभाते हैं उसको वो भुला देता है। अगली आलोचना है प्लेटो एक संदिग्ध हित के लिए एक मान्यता प्राप्त संस्था को समाप्त करता है, यानी परिवार एक मान्यता प्राप्त संस्था है उसको वो धूमिल करने की चेष्टा करता है। अगली आलोचना है जो वस्तु सबकी होती है, यानी प्लेटो ने ये माना कि सब स्त्रियां सबकी पत्नियां हैं, तो इसके संबंध में अरस्तु ये कहता है कि जो वस्तु सबकी होती है उसकी परवाह करवाना कोई भी अपना उत्तरदायित्व नहीं समझता। अरस्तु
प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है, यानी प्लेटो का पुत्र होना से बढ़िया तो किसी निकट संबंधी का पुत्र होना अच्छा माना जाता है। प्लेटो के साम्यवाद में अभिभावक वर्ग को पारिवारिक सुख से वंचित कर दिया गया, इससे अभिभावक वर्ग प्रसन्न नहीं रह सकेगा। अगली आलोचना है कि उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए प्लेटो ने अपनी साम्यवादी व्यवस्था को पशु जगत के उदाहरणों से पुष्ट करने का प्रयत्न किया कि फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर होगा। पशु प्रवृत्ति के रूप में प्रकट होगी, किंतु पशु जगत में नियमों को मानवीय जीवन पर लागू करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। अरस्तु का ये मानना है कि जो पशु प्रवृत्ति व्यवस्था है उस प्रकार की अगर मनुष्य के ऊपर लागू करेंगे तो ठीक नहीं होगी। प्लेटो ने इस व्यवस्था को प्रतिपादित राज्य में एकता स्थापित करने के लिए किया है, परंतु प्लेटो साम्यवाद में स्त्रियों को लेकर झगड़े निश्चित रूप से बहुत अधिक बढ़ जाएंगे इसको उन्होंने नहीं माना। स्त्रियों का साम्यवाद संयम के गुण को नष्ट कर देगा। अगला है कि ये व्यवस्था में अत्यंत निकट संबंधियों का एवं स्वयं ही रक्त से संबंधित व्यक्तियों के साथ अपवित्र कार्य करने की शंका है, आशंका बनी रहती है। हो सकता है माँ के साथ संसर्ग हो जाए, पिता पुत्री के साथ संसर्ग, तो अपने यानी निकट संबंधियों के साथ में इस प्रकार का अपवित्र होने की आशंका बनी रहती है, ऐसा अरस्तु का मानना है। प्लेटो की व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को उस क्षेत्र में केवल एक साधन बना दिया गया है जिसमें स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के द्वारा साध्य होने का दावा किया जा सकता है। अगला, अभिभावक वर्ग पारिवारिक जीवन के व्यावहारिक अनुभव से वंचित रहेगा, उसके द्वारा उत्पादक वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक आवश्यकताओं और समस्याओं के को ठीक रूप से नहीं समझा जा सकता है कि वो किस प्रकार से ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना किस प्रकार से की जाएगी। इसमें जो समानताएं हैं वो ये हैं, क्या क्या समानताएं हैं प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या क्या समानताएं हैं। समानताओं की बात करेंगे तो ये दोनों ही साम्यवाद का लक्ष्य राज्य को न्याय की व्यवस्था कर वर्ग संघर्ष को दूर करना है, पहली समानता। दूसरी समानता ये है कि ये दोनों ही व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों में राज्य को सर्वोपरि मानते हैं। तीसरी जो समानता है वो ये है, प्लेटो व आधुनिक साम्यवाद दोनों ही राज्य के हितों में व्यक्ति की स्वार्थ प्रवृत्ति पर नियंत्रण आवश्यक मानते हैं। ये दोनों ही सार्वजनिक तथा सामाजिक हितों में ही व्यक्ति का हित समझते हैं। अगली समानता है, ये दोनों ही राज्य में शक्ति तथा पदों के लिए प्रतिद्वंद्वता को समाप्त करना चाहते हैं। लास्ट है, दोनों राज्यों के विभिन्न वर्गों के बीच में आर्थिक प्रतियोगिता को समाप्त करने के पक्ष में है। अब आती है असमानताएं कि इन दोनों में क्या क्या असमानताएं पाई जाती हैं आधुनिक साम्यवाद में और प्लेटो के साम्यवाद में। हम अगर इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले असमानताओं में कहेंगे कि इनका लक्ष्य का अंतर है, उसका लक्ष्य प्लेटो की जो साम्यवाद है उसका लक्ष्य राजनीतिक है और जो आधुनिक साम्यवाद है उसका लक्ष्य आर्थिक है। दूसरा है, वर्गीय आधार पर हम भेद कर सकते हैं। वर्गीय आधार पर भेद करेंगे तो आधुनिक साम्यवाद का अर्थ सर्वव्यापी है, वह राज्य के लिए सभी नागरिकों को लागू होता है, पर प्लेटो का जो साम्यवाद है वो जैसा कि नेटर्फ ने कहा है कि अर्ध साम्यवाद यानी हाफ कम्युनिज्म है, क्योंकि वह शासक तथा सैनिक वर्ग पर ही लागू होता है, उत्पादक वर्ग पर नहीं होता, केवल दो ही वर्गों पर होता है जो संरक्षक वर्ग के रूप में जाना जाता है। तीसरी जो असमानता है वो ये है, आर्थिक ढांचे के संबंध में अंतर पाया जाता है, वो इस प्रकार है कि प्लेटो का साम्यवाद राज्य के आर्थिक ढांचे को बिल्कुल अपरिवर्तित रखता है। कोई भी उत्पादन या उत्पादन क्रिया का कोई भी अंग
इसे प्रभावित नहीं करता है, परंतु आधुनिक साम्यवाद राज्य के आर्थिक ढांचे में पूर्णतः परिवर्तित कर देता है। अगला जो अंतर है वो यह है कि उपभोग व्यवस्था के संबंध में अंतर। प्लेटो का साम्यवाद उपभोग के पदार्थों को प्रभावित करता है, इसका उत्पादन के साधनों पर कोई संबंध नहीं है। अभिभावक वर्ग सामूहिक रूप से भोजन, वस्त्र और निवास का ही उपयोग करता है, भूमि या पूंजी का नहीं। आधुनिक साम्यवाद उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व से अधिक संबंध है। प्लेटो के विपरीत यह उपभोग पदार्थों में निजी संपत्ति की व्यवस्था को बनाए रखता है, यानी निजी संपत्ति उसमें अलाउ है, निजी संपत्ति को संरक्षित कर सकता है। अगला भेद है राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों में एकीकरण के संबंध में अंतर। प्लेटो का विचार है कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का एकीकरण राज्य को नष्ट कर देता है, इसी कारण उसे इस प्रकार का एकीकरण को रोका है। लेकिन अगर हम आधुनिक साम्यवाद की बात करें तो उसमें उत्पादक वर्ग को ही राजनीतिक शक्तियाँ प्रदान करना चाहता है। अगला अंतर है आधारभूत स्वरूप का भेद। प्लेटो का साम्यवाद अपने स्वरूप में आध्यात्मिक है। इसके संबंध में बार्कर कहते हैं कि यह समर्पण का मार्ग है और इस समर्पण के मार्ग को सर्वोत्तम केवल सर्वोत्तम मनुष्य से ही किया गया है। और अगर हम आधुनिक दृष्टिकोण की बात आधुनिक साम्यवाद की बात करें तो पूर्णतः भौतिक है। वह संपत्ति को वांछनीयता को स्वीकार करते हुए उसे वितरण पर बल देता है। अगला जो अंतर है वो यह है पारिवारिक साम्यवाद के संबंध में भेद। प्लेटो के साम्यवाद में संपत्ति की सामूहिक व्यवस्था के साथ साथ स्त्रियों को भी सामूहिक व्यवस्था की गई है, किंतु आधुनिक साम्यवाद में स्त्रियों के संबंध में इस प्रकार की किसी व्यवस्था का प्रतिपादन नहीं करता है। आधुनिक साम्यवाद में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होगी। अगला अंतर है नगर राज्यों और अंतर्राष्ट्रीयता का भेद। प्लेटो के साम्यवाद का प्रतिपादन यूनान के छोटे छोटे नगर राज्यों को दृष्टि में रख करके किया गया है। उसके लिए ये नगर राज्य उच्चतम प्रकार के सामाजिक संगठन हैं और उसे कभी भी विश्व व्यवस्था के संबंध में सोचा नहीं है। किंतु आधुनिक जो साम्यवाद है वो एक ऐसी नवीन व्यवस्था स्थापित करना चाहता है जिसमें राष्ट्रीय राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। वे समस्त विश्व के मजदूरों की आधारभूत एकता में विश्वास रखते हैं। धन्यवाद।